बताइए, अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान हैं, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जो सरकार का बयान है कि किसानों के पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं? नहीं, एक मिनट, बात आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको? अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, भी 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना। और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म हो गई। हाँ, मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पज सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी तकनीक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है, एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है। उनको पूछो बताओ, बॉलीवुड ने कंगना जी, सुनो ना उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग, आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा है, आपका नेट चल रहा है, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ, जो अभी अभी 15 दिन, हाँ नहीं नहीं भाटिया, द हाँ भाटिया जो, नहीं 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 अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है, जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुंदर के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरी मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू जा उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहता सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा, मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5,500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कम्प्लीट हो दीजिए, कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं। अच्छा। अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब है पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से। जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते हैं, जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था। तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा और तुम दोनों भाई साथ थे। तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन गया है तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आज गुरु नानक साहब तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा, आज आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है, अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी ये अभी भी है, इन लंगरों में ही है वो, गुरु सोते नहीं वो है, पहुंचने की समर्थता नहीं अभी, आप लोग पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरुदेव बाबा ने तो पहले कहता था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके। एक स्त्री की जो परिभाषा है, उसका जो उसको मान दिया है हमारे धर्म ने 550 साल पहले दे दिया है। मोदी जी तो कहते कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, अरे जिन्हें जनानी छाड़ती घंटे का थारी में छाड़ी जा रहा की गल्ला कर रहे हैं। नहीं वो तो देखिए, देखो मैंने आपको पहले बोला है, धर्म को इससे मत रिलेट करो, धर्म का कोई मसला ही नहीं है, ये किसानी का मसला है। लेकिन वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर ने, अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना, प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की है, और आलू हर जगह मिलता है, हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है, क्या बात कर रहे हो यार, हम पागल है छोटे, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ आपको, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में इतनी आपदाएं आई हैं, उसमें सिख रेजिमेंट या सिख जो ये हमारे ये एड वाले, क्या नाम है इनका जो है, खालसा एड वाले, ये हर जगह पहुंचे हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आई, कितनी आपदा आई, ये पहुंचे, सुनो वो पहुंचे। लॉकडाउन में
पूरे लॉकडाउन में लंगर चलता रहा 24 घंटे। अब बात आके सुनते रहना, ठीक है। बाढ़ आई है बिहार में, ये जो हेलीकॉप्टर में मुआयना लेके और फोटो खिंचा के बताते हैं जी प्रधानमंत्री ने मुआयना लिया, घंटा किया उसने वादा कुछ किया, मुआयना लेके वापिस आ गया, किया सब सिखों ने। तब किसी कंजर ने नहीं पूछा, आप मेरी बात आगे बात सुनो पूरी, आप लोगों ने पूछा, आप लोग, अरे सर बात आप बात सुनो, उस टाइम किसी किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग लोगों का सेवा कर रहे हैं, तब क्यों नहीं पूछा? अब जब सरदार खुद के लिए कर रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं कि पैसा लेके आ रहे हो। मीडिया में जो मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया, मैं कह रहा हूँ वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि देश भर का बाकी लोगों का समर्थन ना मिले। मैं मीडिया में रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुधीर के साथ सरदार दोस्त है, एक छोटी सी बात, सरदार मैं मोहल्ले में रहता हूँ, रहते हो ना, मैंने 6 साल काम किया सुधीर के साथ, मैं वो नहीं, मेरा सवाल है देखिए मीडिया की कोशिश। सुधीर शर्मा को एक बात बोलना, सुधीर चौधरी नाम है, मेरा मैसेज दे देना उनको, उनको एक बार बोलना कि भगवान बोलिए ना, वो देखते हैं। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि यू आर नॉट इमॉर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह जाके मंदिर में माथा टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठी बोलना है, जब वो धर्म राष्ट्र को उनमें लेने आता है, आपके कहते हैं ना कोई काव के ऊपर बैठ के आता है जो मौत के टाइम, उसको क्या बोलोगे जब भाई खाता खुलेगा तो सारी उम्र झूठी बोला, उनको पूछो अभी क्या होता है। ये अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान है, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जो सरकार का बयान है कि किसानों के पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं? नहीं, एक मिनट बात, आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको? अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना, और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म हो गई। हाँ। मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी टेक्निक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है, एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है, उनको पूछो बताओ बॉलीवुड ने, कंगना जी सुनो ना उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग, आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा, आपका नेट चल रहा, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ जो अभी अभी 15 दिन, हाँ नहीं नहीं भाटिया, द हाँ भाटिया जो, नहीं 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 अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है, जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुद्र के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू जा उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहता सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा, मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5,500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कंप्लीट हो दीजिए, कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं, अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से, जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते हैं जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था, तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा और तुम दोनों भाई साथ थे, तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन गया है तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आज गुरु नानक साहब तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा, आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है,
अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी अभी भी है इन लंगरों में ही है वो। गुरु तो नहीं पहुंचने की समर्था आप लोग पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरु बाबा ने तो पहले कहता था सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके। एक स्त्री की जो परिभाषा है उसका जो उसको मान दिया है हमारे धर्म ने 550 साल पहले दे दिया है। मोदी जी तो कहते कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। अरे जिन्हें जनानी छाड़ती घंटे का धारी में छाड़ी जा रही की गल्ला कर रहे हो। नहीं वो तो देखिए, देखो मैंने आपको पहले बोला है धर्म को इससे मत रिलेट करो, धर्म का कोई मसला ही नहीं है, ये किसानी का मसला है। लेकिन वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना। प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की, और आलू हर जगह मिलता है, हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है, क्या बात कर रहे हो यार, हम पागल है छोटी, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ आपको, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में इतनी आपदाएं आई हैं, उसमें सिख रेजिमेंट या सिख जो ये हमारे ये एड वाले, क्या नाम है इनका, जो है खालसा एड वाले, ये हर जगह पहुंचे हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आई, कितनी आपदाई, ये पहुंचे, सुनो वो पहुंचे। लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में लंगर चलता रहा 24 घंटे, अब बात आके सुनते रहना, ठीक है। बाढ़ आई है बिहार में, ये जो हेलीकॉप्टर में मुआयना लेके और फोटो खिंचा के बता देते हैं जी प्रधानमंत्री ने मुआयना लिया, घंटा किया उसने वाजा कुछ किया, तो मुआयना लेके वापस आ गया, किया सब सिखों ने, तब किसी कंजर ने नहीं पूछा। आप मेरी बात आगे बात सुनो पूरी, आप लोगों ने पूछा, आप लोग, अरे सर बात, आप बात सुनो, उस टाइम किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग लोगों का सेवा कर रहे हैं, तब क्यों नहीं पूछा। अब जब सरदार खुद के लिए कर रहे हैं, उनका पूछ रहा है क्या पैसा लेके आ रहे हो। मीडिया में जो मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया, मैं कह रहा हूँ वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि देश भर का बाकी लोगों का समर्थन ना मिले। मैं मीडिया में रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुधीर के साथ सरदार दोस्त है, एक छोटी सी बात, सरदार मैं मोहल्ले में रहता हूँ, रहते हो ना, मैंने 6 साल काम किया सुधीर के साथ, मैं वो नहीं, मेरा सवाल है देखिए मीडिया की कोशिश। सुधीर शर्मा को एक बात बोलना, सुधीर चौधरी नाम चौधरी, मेरा मैसेज दे देना उनको एक बार बोलना की भगवान बोलिए ना, वो देखते हैं। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा की यू आर नॉट इमोर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह जाके मंदिर में माथा टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठी बोलना है, जब वो धर्म राष्ट्र को लेने आता है आपके, कहते हैं ना कोई काऊ के ऊपर बैठ के आता है जो मौत के टाइम, उसको क्या बोलोगे जब भाई खाता खुलेगा तो सारी उम्र झूठी बोला, उनको पूछो अभी क्या होता है। अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान है, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जब सरकार का बयान है कि किसानों के पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं। नहीं, एक मिनट बात, आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको। अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना, और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म होगी। हाँ, मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी टेक्निक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है, एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है, उनको पूछो बताओ बॉलीवुड ने, कंगना जी सुनो ना उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग, आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा, आपका नेट चल रहा, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ जो अभी 15 दिन, हाँ नहीं भाटिया जो, नहीं अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है, जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुंदर के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू जा उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहना सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा, मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं
कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कंप्लीट हो दीजिए। कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं। अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से। जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था। तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा और तुम दोनों भाई साथ थे। तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन के आया तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा आज गुरु नानक साहब तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है, अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी ये अभी भी है, इन लंगरों में ही है वो, गुरु तो सोते नहीं, वो पहुंचने की समर्थता नहीं, अभी आप लोग पहुंच नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरुदेव बाबा ने तो पहले कहता था सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके, एक स्त्री की जो परिभाषा है उसका जो उसको मान दिया है हमारे धर्म ने 550 साल पहले दे दिया। मोदी जी तो कहते कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। अरे जिन्हें जनानी छाड़ती घंटे का धारी में छड़ जाए की गल्ला कर रहे हो? नहीं वो तो देखिए, देखो मैंने आपको पहले बोला है धर्म को इससे मत रिलेट करो, धर्म का कोई मसला ही नहीं है, ये किसानी का मसला है। वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना, प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की है, और आलू हर जगह मिलता है, हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है, क्या बात कर रहे हो यार, हम पागल है छोटे, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ आपको, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में इतनी आपदाएं आई हैं, उसमें सिख रेजिमेंट या सिख जो ये हमारे ये एड वाले, क्या नाम है इनका जो है, खालसा एड वाले, ये हर जगह पहुंचे हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आई, कितनी आपदा आई, ये पहुंचे, सुनो वो पहुंचे, लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में लंगर चलता रहा 24 घंटे। अब बात आके सुनते रहना, ठीक है, बाढ़ आई है बिहार में, ये जो हेलीकॉप्टर में मुआयना लेके और फोटो खिंचा के बता देते हैं जी प्रधानमंत्री ने मुआयना लिया, घंटा किया उसने वादा कुछ किया, मुआयना लेके वापस आ गया, किया सब सिखों ने, तब किसी कंजर ने नहीं पूछा। आप मेरी बात आगे बात सुनो पूरी, आप लोगों ने पूछा, आप लोग, अरे सर बात आप बात सुनो, उस टाइम किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग लोगों का सेवा कर रहे हैं, तब क्यों नहीं पूछा? अब जब सरदार खुद के लिए कर रहे हैं, उनका पूछ रहा है क्या पैसा लेके आ रहे हो? मीडिया में जो मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया, मैं कह रहा हूँ वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि देश भर का बाकी लोगों का समर्थन ना मिले। मैं मीडिया में रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुधीर के साथ सरदार दोस्त है, एक छोटी सी बात, सरदार मैं मोहल्ले में रहता हूँ, रहते हो ना, मैंने 6 साल काम किया सुधीर के साथ, मैं वो नहीं, मेरा सवाल है देखिए मीडिया की कोशिश, सुधीर शर्मा को एक बात बोलना, सुधीर चौधरी नाम चौधरी, मेरा मैसेज दे देना उनको एक बार बोलना की भगवान बोलिए ना, वो देखते हैं। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा की यू आर नॉट इमॉर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह जाके मंदिर में माथा टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठ ही बोलना है, जब वो धर्म राष्ट्र को लेने आता है आपके, कहते हैं ना कोई काव के ऊपर बैठ के आता है जो मौत के टाइम, उसको क्या बोलोगे जब भाई खाता खुलेगा तो सारी उम्र झूठ ही बोला, उनको पूछो अभी क्या बताइए। तो अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान है, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जो सरकार का बयान है कि किसानों के पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं? नहीं, एक मिनट बात, आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको? अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, भैया 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना, और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म हो गई। हाँ, मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी टेक्निक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है,
एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है, उनको पूछो बताओ। बॉलीवुड कंगना जी सुनो ना, उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है। वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूँ, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग। आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा, आपका नेट चल रहा, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ, जो अभी अभी 15 दिन, हाँ नहीं नहीं भाटिया जो, नहीं नहीं अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर। लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है। जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुद्र के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहना सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा, मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5,500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कम्प्लीट हो दीजिए। कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं। अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से। जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते हैं, जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था। तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा, और तुम दोनों भाई साथ थे। तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन गया है, तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आज गुरु नानक साहब तो रहे मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा, आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है, अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना, आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी ये अभी भी है, इन लंगरों में ही है वो, गुरु तो नहीं वो है, पहुंचने की समर्थता नहीं, आप पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरुदेव बाबा ने तो पहले कहता था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके, एक स्त्री की जो परिभाषा है, उसका जो उसको मान दिया है हमारे धर्म ने 550 साल पहले दे दिया है। मोदी जी तो कहते कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ। अरे जिन्हें जनानी छाड़ती घंटे का थारी में छड़ जाए, की गल्ला कर रहे हो। नहीं वो तो देखिए, देखो मैंने आपको पहले बोला है, धर्म को इससे मत रिलेट करो, धर्म का कोई मसला ही नहीं है, ये किसानी का मसला है। लेकिन वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना, प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की है, और आलू हर जगह मिलता है, हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है, बात कर रहे हो यार, हम पागल है छोटे, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ आपको, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में इतनी आपदाएं आई हैं, उसमें सिख रेजिमेंट या सिख जो ये हमारे ये एड वाले, क्या नाम है इनका, जो है खालसा एड वाले, ये हर जगह पहुंचे हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आई, कितनी आपदा आई, ये पहुंचे, सुनो वो पहुंचे। लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में लंगर चलता रहा 24 घंटे, अब बात आके सुनते रहना, ठीक है। बाढ़ आई है बिहार में, ये जो हेलीकॉप्टर में मुआयना लेके और फोटो खिंचा के बता देते हैं जी प्रधानमंत्री ने मुआयना लिया, घंटा किया उसने वाजा कुछ किया, तो मुआयना लेके वापस आ गया, किया सब सिखों ने, तब किसी कंजर ने नहीं पूछा। आप मेरी बात आगे बात सुनो पूरी, आप लोगों ने पूछा, आप लोग सर बात आप बात सुनो, उस टाइम किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग लोगों का सेवा कर रहे, तब क्यों नहीं पूछा। अब जब सरदार खुद के लिए कर रहे हैं, उनका पूछ रहे हैं पैसा लेके आ रहे हो। मीडिया में जो मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया, मैं कह रहा हूँ वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि देश भर का बाकी लोगों का समर्थन ना मिले। मैं मीडिया में रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुधीर के साथ सरदार दोस्त है, एक छोटी सी बात, सरदार मैं मोहल्ले में रहता हूँ, रहते हो ना, मैंने 6 साल काम किया सुधीर के साथ, मैं वो नहीं, मेरा सवाल है देखिए मीडिया की कोशिश। सुधीर शर्मा को एक बात बोलना, सुधीर चौधरी नाम है, मेरा मैसेज दे देना उनको एक बार बोलना कि भगवान बोलिए ना, वो देखते हैं। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि यू आर नॉट इमॉर्टल, यू विल डाई वंस,
दिस इज़ अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सुबह जाके मंदिर में माथा टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठी बोलना है, जब वो धर्म राष्ट्र कौन लेने आता है आपके, कहते हैं ना कोई काऊ के ऊपर बैठ के आता है जो मौत के टाइम, उसको क्या बोलोगे जब भाई खाता खुलेगा तो सारी उम्र झूठी बोला। उनको पूछो अभी क्या बताइए, अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान है, एक मिनट के सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा। जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जो सरकार का बयान है कि किसानों के पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं? नहीं, एक मिनट बात, आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको? अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, भी 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना। और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म होगी। मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी टेक्निक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है, एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है। उनको पूछो बताओ, बॉलीवुड कंगना जी सुनो ना, उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग, आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा, आपका नेट चल रहा, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ, जो अभी 15 दिन, हाँ नहीं नहीं भाटिया, द हाँ भाटिया जो, नहीं 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 अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है, जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुंदर के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू जा उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहता सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा? मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5,500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कम्प्लीट हो दीजिए, कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं। अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से। जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते हैं जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था। तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा और तुम दोनों भाई साथ थे। तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन गया है तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आज गुरु नानक साहब तो है मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा, आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है, अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी ये अभी भी है, इन लंगरों में ही है वो, गुरु तो सोते नहीं, वो है पहुंचने की समर्थता नहीं, अभी आप लोग पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरुदेव बाबा ने तो पहले कहता था सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा, बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके। एक स्त्री की जो परिभाषा है उसका जो उसको मान दिया है हमारे धर्म ने 550 साल पहले दे दिया है। मोदी जी तो कहते कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूँ, अरे जिन्हें जनानी छाड़ती घंटे का धारी में छड़ जाए की गल्ला कर रहे हो। नहीं, वो तो देखिए, देखो मैंने आपको पहले बोला है धर्म को इससे मत रिलेट करो, धर्म का कोई मसला ही नहीं है, ये किसानी का मसला है। लेकिन वो लोग तो खालिस्तानी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, उनके प्रवक्ता कल प्रज्ञा ठाकुर। अच्छा, एक मेरी बात सुनो, एक नहीं इसकी भी बात सुनना, प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की, और आलू हर जगह मिलता है, हम पागल है खालिस्तान, हम पूरा इंडिया हमारा है, क्या बात कर रहे हो यार, हम पागल है छोटी, हम पूरा इंडिया हमारा। देता हूँ आपको, हिंदुस्तान और पूरे वर्ल्ड में इतनी आपदाएं आई हैं, उसमें सिख रेजिमेंट या सिख जो ये हमारे ये एड वाले, क्या नाम है इनका, जो है खालसा एड वाले, ये हर जगह पहुंचे हैं। साउथ इंडिया में बाढ़ आई,
कितनी आपदाई ये पहुंचे, सुनो वो पहुंचे लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में लंगर चलता रहा 24 घंटे। अब बात आके सुनते रहना, ठीक है। बाढ़ आई है बिहार में, ये जो हेलीकॉप्टर में मुआयना लेके और फोटो में खिंचा के बताते हैं जी प्रधानमंत्री ने मुआयना लिया, घंटा किया उसने मजा कुछ किया, तो मुआयना लेके वापस आ गया, किया सब सिखों ने। तब किसी कंजर ने नहीं पूछा, आप मेरी बात आगे बात सुनो पूरी, आप लोगों ने पूछा, आप लोग अरे सर बात आप बात सुनो, उस टाइम किसी किसी बंदे ने नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम लोग लोगों का सेवा कर रहे हैं, तब क्यों नहीं पूछा? अब जब सरदार खुद के लिए कर रहे हैं, उनका पूछ रहा है कि पैसा लेके आ रहे हो। मीडिया में जो मैंने टेलीविजन में काम किया है, मैं पिछले 5 साल से सोशल मीडिया में कह रहा हूँ, वो जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि देश भर का बाकी लोगों का समर्थन न मिले। मैं मीडिया में रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। सुधीर के साथ सरदार दोस्त है, एक छोटी सी बात, सरदार मैं मोहल्ले में रहता हूँ, रहते हो ना, मैंने 6 साल काम किया सुधीर के साथ, मैं वो नहीं, मेरा सवाल है देखिए मीडिया की कोशिश। सुधीर शर्मा को एक बात बोलना, सुधीर चौधरी नाम चौधरी, मेरा मैसेज दे देना उनको, उनको एक बार बोलना की भगवान बोलिए ना, वो देखते हैं। सुधीर जी को मैं एक मैसेज देना चाहूंगा की यू आर नॉट इमोर्टल, यू विल डाई वंस, दिस इज अ जर्नी ऑफ ए ट्रेन। एक बार घर जाके ना इंट्रोस्पेक्ट करना कि मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह जाके मंदिर में मत्था टेक के टीका लगा के कुछ नहीं, जब सारा दिन झूठी बोलना है, जब वो धर्म राष्ट्र कौन लेने आता है आपके, कहते हैं ना कोई काऊ के ऊपर बैठ के आता है जो मौत के टाइम, उसको क्या बोलोगे जब भाई खाता खुलेगा तो सारी उम्र झूठी बोला, उनको पूछो अभी क्या बताइए। तो अगर ये बिल पास हो गया तो आप लोग तो किसान है, एक मिनट के लिए सुन लीजिएगा, पहले सुनिएगा, जैसे मान लीजिए सरकार की जो राय, जो सरकार का बयान है कि किसानों के पास दो रास्ते होंगे, एक तो प्राइवेट में ही बेच सकते हैं या मंडी में ही बेच सकते हैं, उन लोगों का क्या होगा जो खरीद के खाते हैं? नहीं, एक मिनट बात, आपको आपने अभी ये बोला वो प्राइवेट भी बेच सकते हैं और मंडी में बेच सकते हैं, लेकिन आपको उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है वो पता है आपको? अगर वो प्राइवेट में बेचते हैं तो उनको 8% मिलेगा, अगर वो मंडी में बेचते तो 1% मिलेगा। मैं किसान हूँ, मुझे लालच है कि मैं तो 8% वाले को दूंगा, ठीक है, मैंने 8% वाले को बेच दिए, 1% वाला मंडी वो तो बेकार हो गया ना, और धीरे धीरे क्या होगा, हम मंडियों को अवॉइड करना शुरू कर देंगे, 8% की तरफ जाएंगे और मंडियां खत्म हो गई। हाँ, मंडियां खत्म होगी तो उनका पर्पस सॉल्व हो गया, जियो वाला हाल होगा, पहले फ्री बाद में माल। देखो 4 साल पहले क्या होगा, ये बड़ा सोची समझी टेक्निक है, उनको ये लगा कि यार ये लोग ना हल्लड़ गल्लड़ भंगड़ा पाने वाले है ना, मक्की दी रोटी सरसों का साग बस यही चल रहा है, एक बॉलीवुड ने बेड़ा गर्क कर रखा है, उनको पूछो बताओ बॉलीवुड ने, कंगना जी सुनो ना उसको तो छोड़ो, शी इज नॉट इवन रेलेवेंट टू कम इन टू माई लिस्ट, ठीक है, वो डिजर्व ही नहीं करती कि मैं उसके बारे में बात करूं, बिकॉज आई डोंट टॉक अबाउट शिट, ठीक है। अब लिसन टू मी, बॉलीवुड ने क्या कर रखा है, शुरू से ही पंजाबी जहाँ दिखाते हैं भंगड़ा पा रहे हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग, आपको पता है जो वर्ल्ड की ऑप्टिकल फाइबर पहले किसी ने बनाई थी, जिससे जीमेल चल रहा आपका नेट चल रहा, वो एक सरदार था। हाँ, मैं जानता हूँ, जो अभी अभी 15 दिन, हाँ नहीं नहीं भाटिया, द हाँ भाटिया जो, नहीं 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 अभी आपकी ये भी इन्फॉर्मेशन गलत है, गूगल करना, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, लिसन टू मी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीमेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑप्टिकल फाइबर जिसके कारण चलता है, जो पहली दुनिया की ऑप्टिकल फाइबर है ना, जो समुंदर के नीचे तारे बिछी हुई हैं, वो एक सरदार ने बनाई थी, सिंह बनाई थी, वो बुद्धिजीवी थी। मैं तो गुरु नानक देव साहब को मानता हूँ, जो मेरी मेरे जैसे गरीब लोगों को भोजन मिल जाता है, मैं इसलिए उनका शुरू उन्हीं का ही लंगर है। हेलो, एक आदमी ने मेरे से परसों पूछा, कहना सरदार जी कितने टाइम लंगर और चलेगा, मैं कहा 550 साल से तो चल रहा है 20 रुपए का, आगे हो सकता है 5,500 साल चले, सरकार ने पंगा किससे ले लिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरएसएस की जो रणनीति है ना हिंदू राष्ट्र बनाने की, सर देखो सुनिए ना मेरी बात तो कम्प्लीट हो दीजिए, कुछ लोगों का कहना है अंदर खाने की आरएसएस की जो नीति है ना हिंदू राष्ट्र की, उसमें सिख आड़े आ रहे हैं, अगर पंजाब पर कब्जा हो गया तो उनको लिए आसानी होगी, और पंजाब पर कब्जा करने का मतलब पहले जमीन पर कब्जा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, देखो हिंदू एंड सिख वर इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर, दे विल बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर। अब मैं आरएसएस को आरएसएस की भाषा में समझाता हूँ, ये मेरा चाचा हरियाणा से है, बात को समझना ध्यान से, जब श्री राम ने रावण का वध किया था ना, तो आके वो क्या लक्ष्मण को कहते जा इससे ले ले, है तो ज्ञानी था, लंकेश की पूजा करता था, तो लक्ष्मण गया तो रावण ने उसको एक बात बोली, कहता मैंने हारना नहीं था, मैं हारा इसलिए क्योंकि जो मेरा सगा भाई था विभीषण, उसने मुझसे धोखा करा और तुम दोनों भाई साथ थे, तो आज अगर पंजाब बड़ा भाई राम बन गया है तो हरियाणा लक्ष्मण बन के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, आज गुरु नानक साहब तो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो फिर शांत था, लक्ष्मण तो नाक ही काट देता है। अच्छा, आज गुरु नानक देव साहब जी होते तो आज क्या करते हैं? गुरु नानक देव साहब जी, दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट गुरुज, क्योंकि हमारा गुरु बहुत ऊपर है,
अभी आप लोग समझे ही नहीं। आप बात करते ना आज नेचर को बचाओ, हमारे में ही है वो, तभी वो अभी भी है, इन लंगरों में ही है वो। गुरु तो नहीं पहुंचने की समर्था नहीं, आप लोग पहुंच ही नहीं पाए। उन्होंने 550 साल पहले कहा था, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महात, जिसका इंग्लिश में मतलब है, जो आज आप कहते हो ना नेचर को बचाओ, आज आप कहते हो ना गर्ल चाइल्ड को बताओ, हमारे गुरुदेव बाबा ने तो पहले कहता था, सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बात को समझना, गूगल कर लेना घर जाके। एक स्त्री की जो परिवार